महिला कुश्ती दम तोड़ रही है, जिसे लेकर के खिलाड़ियों में काफी निराशा का भाव है। इसे लेकर के जब हमारे संवाददाता ने मौके पर मौजूद लोगों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण के दावे करती है और दूसरी ओर गर्ल्स रेसलिंग की बदहाल हालत यहां पर देखी जा सकती है। आप यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से छोटी बच्चियां हैं जो कि गर्ल्स रेसलिंग के लिए तैयार हो रही हैं, और इनको तैयार करने वाली इंटरनेशनल रेसलर रानी राणा जो कि लगातार इससे पहले सरकार से तमाम सारे सवाल कर चुकी हैं कि उनको सुविधाएं दी जाएं, तमाम सारी जो इससे पहले जो रेसलर को सुविधाएं दी जाती हैं, अब इनके पास एक अखाड़ा भी नहीं है, एक ग्राउंड ऐसा नहीं है जिस पर कि ये छोटी बच्चियां जो है रेसलिंग की प्रैक्टिस अपनी कर सके। बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह की इनकी मांग है और किन असुविधाओं के चलते ये लोग तमाम सारी परेशानियों से जो है परेशानियों में रहते हैं। रानी जी थोड़ा सा मुझे बताएं किस तरीके से आप देखते हैं, चूंकि छोटी बच्चियां हैं, इनको चोट भी लगती होगी, गद्दे नहीं है आपके पास, आप मिट्टी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस तरह की मांग है आपकी, चूंकि महिला सशक्तिकरण के दावे करती है तमाम सरकार और खेलो इंडिया भी चल रहा है, 1000 करोड़ के आसपास का खेलो इंडिया है, किस तरह से देखते हैं जी? सर मैं यही बताना चाहती हूँ, अपने ग्वालियर में जो अखाड़ा है या बिल्कुल सुविधाओं का अभाव है कि छोटी छोटी बच्चियां, जैसे मैंने शुरुआत की तो मैंने भी मिट्टी से करी, अब मेरे जितनी सुविधाएं होनी चाहिए एक सुविधा नहीं है बच्चियों के लिए कि जो मैट पे प्रैक्टिस कर सके, कि अपनी फिटनेस ट्रेनिंग कर सके, कि ग्राउंड में दौड़ सके, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके लिए मैं बिल्कुल प्रयास कर रही हूँ, लगातार कहीं शासन से प्रशासन से गुहार लगा रही हूँ, कंटिन्यू अपना प्रयास चालू है मेरा, यहाँ तक कि मैंने अभी अपने गेम को विराम दिया रखा है क्योंकि इन बच्चियों के लिए सुविधा करवा सकूं और इनको जो ये करना चाहती हैं, आगे जाना चाहती हैं, इनके भविष्य के लिए मैं ये चाहती हूँ कि इनको सुविधाएं मिले शासन से प्रशासन से। तो ओलंपिक तक मेडल लेके आएंगी और साफ तौर पर मैं बता दूं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी तो ये रानी राणा है ही, और अहम बात यह है कि लगातार इस तरह की जो लड़कियां हैं, हालांकि जो रेसलिंग गेम है वो लड़कियों के लिए अमूमन नहीं माना जाता, लेकिन अब चूंकि जब ग्वालियर में महिला रेसलिंग यानी गर्ल्स रेसलर तैयार हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार इस तरह की जो सुविधाओं का अभाव है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, ग्वालियर।